ਕੇ ਓ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਸ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਬੋਨਸ ਕੀ ਬਈ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਬ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ तो भाई ये जो दो ट्रेलर वाले खड़े थे ना इन्होंने आपस में चुम्मी ली हुई थी। हाँ जी एक दूसरे के पीछे इन्होंने मारी है या पता नहीं क्या हुआ है। वो अगले वाला ट्रेलर था ना जो उसका ड्राइवर बाहर निकल के आया हुआ था और इससे बहस कर रहा था पिछले वाले से। तो बातों का ऐसे होता है कि भाई पिछले वाला हॉर्न देता है अगले वाले को गुस्सा आ जाता है वो फिर उतर के ना पिछले वाले से बोलते हैं हाँ जी की मसला है तेनू। तो भाई ये है सेल सगीर ठीक है इसके ये ताइफ के एरिया में आ जाता है और ऐसे समझ लो ये ताइफ की स्टार्टिंग है। हाँ जी ये अब अभी अब जो है ना ऐसे समझ लो सेल सगीर खत्म हो गया अब ये ताइफ सिटी स्टार्ट हो गया। हाँ जी लेकिन हम भी इसके आगे थोड़ा सा आगे जाके एक ब्रिज आएगा ब्रिज से हम फिर लेफ्ट हो जाएंगे रियाद रोड की तरफ इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं भी आ जाओ। तो भाई लोगों ये जो इशारा है ना इधर भी बड़ा ही रश होती है भाई रात के टाइम दिन के टाइम इतना नहीं होता रात के टाइम होता है भाई। ये तो अभी ट्रेलर नहीं आ रहे नहीं तो इधर बहुत बड़ी लाइन होती है ट्रेलर की। अब हमने इधर से होना है लेफ्ट भाई लेफ्ट हो जाएंगे चुस्की लगा के और जल्दी चल जा चलो मसड़ तुरी खैर हो देखा देखा मैं चाय पे नजर मार रहा था इसको ठोक रहा था भाई ये भी मेरी चाय छाले मार रही थी मैं सोचा चाय को बचाऊं लेकिन मैं आगे किसी की बैक में ठोक रहा था भाई शुक्र है बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस तरह बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं लेकिन ध्यान रखा करो भाई एहतियात अपनी है जब चुम्मी लग जाएगी ना आपस में फिर ये चुम्मी का जुर्माना बहुत बड़ा है भाई जुर्माना तो खैर नहीं होगा इंश्योरेंस है पड़ी अपने पास लेकिन कौन बनवाए कौन कुछ कराए भाई अपना ध्यान करो और दूसरों का भी ध्यान करो मासड़। हाँ जी चल भी उस्ताद अभी सीधा अगर चले जाओ ना सीधा हम ताइफ के सेंट्रल में चले जाएंगे ताइफ सिटी के सेंटर में लेकिन हम उधर नहीं जा रहे भाई हम लेफ्ट मुड़ गए हैं अब रियाद रोड की तरफ। अब ये सीधा रियाद जाएगा सीधा इधर उधर नहीं मुड़ना भाई आप लोगों ने सीधा जाना है आपको ये सीधा रियाद की तफ्तीश के ऊपर जाके ब्रेक लगाएगा मुजैमिया वाली पहाड़ियों के ऊपर ही। हाँ जी तो भाई चाय छाले मारिया छाले ये देखो सारी टिश्यू को लग गई है। तो भाई ताइफ के नज़ारे चेक करो भाई नज़ारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे भाई वो बने हुए हैं पार्क बने हुए हैं भाई साइड के ऊपर और हमारी चाय ठंडी हो गई है। जी तो भाई लोगों इधर हम रुके हैं तो मैं बोला अभी होले हो जाएं बाकी भाई आगे आपको बता दूंगी आगे बारिश होने वाली है भाई बारिश पगड़ी वाली क्योंकि भाई मुमताज भाई आ रहे थे उन्होंने बोला भाई आगे बहुत बारिश है बहुत तो अब भाई आ जाओ आगे आगे जो है ना वो बिजली नहीं होती बिजली भी गरज रही है बिजली देखते हैं क्या होता है हमारे साथ आ जाओ। अभी उधर सारे ट्रक ड्राइवर्स ने ना ट्रक लगाए हुए पार्क पे और वो सो रहे हैं लेकिन हमने पहुंचना है भाई सुबह हमारा अभी इमरजेंसी वाला लोड
तो हमको तो भाई जाना पड़ेगा माड़ा हबीबी। तो भाई इधर से अब निकल रहे हैं, ये पंचर शॉप है भाई। चलो भाई बिस्मिल्लाह। तो भाई आगे बिजली जो है ना चमक रही है आपको शायद। तेरी खैर है, नजर आई कि नहीं आई? देख लो मौके के ऊपर, मैं बात कर रहा था मौके के ऊपर ही बिजली बजी भाई। भाई बड़ी तगड़ी डेंजरस वाली बिजली बज रही है आगे, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन हमने भाई इस पानी को काट काट के निकलना है भाई, हमने रियाद की तरफ इंशाल्लाह। चल भी बिजली एक और झटका मार, फिर मैं कैमरा बंद करूं। ये पता है मैंने कैमरा बंद करना है, तूने फिर अच्छा वाला झटका मारना है। मुझे तेरी समझ है भाई बेटा, लेकिन मैंने भी आज कैमरा नहीं बंद करना। तो भाई लोगों बारिश स्टार्ट हो गई है, ये चेक करो भाई, बारिश शुरू हो गया भैया। ये चेक करो, नजर आ रही है कुछ? हाँ जी, तो भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं किधर, मुझे भी नहीं पता मैं किधर पहुंचा हुआ हूँ। फिलहाल नींद इतनी आई हुई है ना, बस मत पूछो यार। लेकिन इतना पता है अभी 400 और कुछ किलोमीटर अभी रियाद रह रहा है अभी हमारे से। और इंशाल्लाह अभी जो है ना टाइम तो तकरीबन 3 का हो गया है, और हम मैक्सिमम जो है ना हम 550 किलोमीटर तकरीबन हम निकाल कर आ चुके हैं, 650 लगा वाला। हाँ जी, तो अभी जो है ना बस इधर डीजल सेल डलवाते हैं। डीजल अभी आज हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने कंपनी को पहले बोल दिया था कि भाई डीजल नहीं ख़त्म करना है, तो हमारे लिए डीजल स्पेशल डाला हुआ है जो उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है। और देखते हैं भाई डीजल कितना आता है, 5 में डलवाया था अभी डीजल डलवा रहे हैं। फुल हो गया? फुल तो नहीं हुआ यार। हाँ जी, तो भाई लोगों शीशा तो हमने भाई फुल साफ कर दिया भाई, अब थोड़ा बहुत सामान ले आए हैं भाई। चलो थोड़ा सा ना वो जो होता है ना चुगते जाएंगे, चुगते। हाँ जी, ताकि हमको नींद ना आए। तो भाई लोगों अभी रियाज तकरीबन यहाँ से 400 कुछ किलोमीटर रह रहे हैं, ऐसे समझ लो लगभग 450 लगा लो, ठीक है? तो 450 किलोमीटर रह रहा है,
और उसके लिए हमें 5 घंटे तो लग सकते हैं। अभी 3:30 बज चुके हैं, हम 8 बजे तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन 10 बजे 11 बजे तक ही पहुंचेंगे। आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ। हम अलातूल भी निकले ना तो ऐसे ही होगा। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। फिलहाल रोल खाते हैं भाई। सुना है कि कोल्ड रेड पीने से नींद उड़ जाती है। चलो आज ये चीज भी उसमें आके देख लेते हैं भाई, नींद उड़ती है या नींद आती है। बिस्मिल्लाह। वही ये तो उड़ गई नींद। और ठंडी है ना इसीलिए। तो खैर कोई बात नहीं, अभी ये फ्यूल वैसे हमने डीजल डलवा लिया है और हमें आज डीजल मिल रहा है, ये अच्छी बात है। तो भाई डीजल एक टैंक की भी 300 350 निकाल रही है, क्योंकि थर्मो किंग हमारा डायरेक्ट चला हुआ है, ठीक है, ऑटो पे नहीं चला हुआ है इस बार, ये डायरेक्ट चला हुआ है प्लस 4 के ऊपर। इसका जो है ना दर्जा हरारत सेट किया हुआ है प्लस 4 के ऊपर, तो ये डायरेक्ट चला हुआ है, इसीलिए ये डीजल ज्यादा पी रहा है भाई। अलातूल ही चल रहा है, तो जो ऑटो पे होता है ना, अभी तो बाहर माशाल्लाह बारिश बारिश हुई पड़ी है, मौसम अच्छा है, लेकिन अगर ये ऑटो पे होता ना तो मेरे ख्याल से बड़ा 20-30 किलोमीटर के बाद बाद ये चलता, लेकिन अभी ये अलातूल ही चल रहे ना, इसीलिए डीजल का खर्चा इसका ज्यादा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, कंपनी का खर्चा भी, बंदे सोए हुए हैं सब लगा के, ये पीछे अरेबियन वाला है, अरेबियन वाला ये भी इधर से ही लोड करता है जहाँ से हम लोड करते हैं, अभी बाकी बंदे सोए हुए हैं, ट्रक ड्राइवर सारे कुछ चल भी रहे हैं, लेकिन हम रात का, हमें ये फायदा हो रहा है कि भाई हमें ज़्यादा ओवरटेकिंग नहीं करनी पड़ रही, नहीं तो दिन को हम ज़्यादा ओवरटेक करते हैं। रात का सफ़र इसीलिए थोड़ा मैं पसंद भी करता हूँ कि भाई रात को मैं ड्राइव करूँ, रात को भी नींद भी तो आ जाती है ना। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, देखी जाएगी, कभी कभी ऐसे ट्रिप आ जाते हैं जो अलातूल निकलने पड़ते हैं। ये जिस भाई ने कमेंट किया है ना भाई, अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि उसके कमेंट का जवाब नेक्स्ट जो है ना ट्रिप के ऊपर ही मिल गया भाई लाइव। खैर कोई बात नहीं भाई, एंजॉय करो, एंजॉय एंजॉय, लाइक कर दिया करो भाई लाइक। हाँ जी, तो भाई लोग हम सास्को पेट्रोल पंप के ऊपर जो है ना हम आ चुके हैं, और अभी नमाज का टाइम है, सुबह की नमाज का, और नमाज पढ़ते हैं भाई, थोड़ी गाड़ी भी रेस्ट कर लेगी, हम भी रेस्ट कर लेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नमाज पढ़ के, आ जाओ। Much, much later.
you.